सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 110 के स्पेशल एडिशन के बारे में। स्पेशल एडिशन अब आप लोगों को एच स्मार्ट में भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि अब स्पेशल एडिशन में टोटल दो वेरिएंट्स हो चुके हैं। इससे पहले जो की वाला वेरिएंट अपना रहता है रेगुलर वाला, उसका वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है एक्टिवा स्पेशल एडिशन का एच स्मार्ट। ये वीडियो अपना रहने वाला है फर्स्ट ऑन यूट्यूब। अभी तक यूट्यूब पर स्पेशल एडिशन का एच स्मार्ट का वीडियो अवेलेबल नहीं है। अभी 8 बज रहे 9 बजे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सेम डे ही। सो वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहे तो लाइक भी ज़रूर से कर देना। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। एक्टिवा के अदर डिटेल्स, एक जो वेरिएंट्स रहते हैं उसकी डिटेल भी, उसी के साथ साथ कलर ऑप्शन भी आगे आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं। स्पेशल एडिशन टोटल दो ही कलर ऑप्शन में और दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल रहने वाला है। की वाला वेरिएंट अपना रहता ही है और अब एच स्मार्ट भी यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हो चुका है। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो भी दो ही है। ये अपना रहने वाला है ग्लॉसी फिनिश में, सेकंड कलर ऑप्शन अपना रहेगा प्रॉपर मैट फिनिश में ही, मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लू। ये अपना ब्लू वाला टेक्सचर है, ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लू और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, बट है ये अपना प्रॉपर ग्लॉसी ब्लू। यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा विजिबल ये जो इसका ब्लू वाला शेड रहेगा ना, वो आप लोगों को आ जाने वाला है। इस टाइप से कुछ रेयर है, कंप्लीट एक डार्क वाला सेटअप यहाँ पे मिलता है, स्पेशल एडिशन भी या फिर एक इसको डार्क एडिशन भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। प्राइसिंग भी वेरियंट्स के अकॉर्डिंग भी और स्पेशल एडिशन की भी चेंजेस रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इस टाइप से ये अपना प्रॉपर स्पेशल एडिशन की मार्किंग रियर बॉडी पे भी और फ्रंट दोनों ही साइड फेंडर्स पे भी। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड जयपुर एच स्मार्ट स्पेशल एडिशन कॉस्ट करने वाला है 99,000, जो कि सेम अपना जो रेगुलर वेरिएंट्स रहता है, जो मरून वाला है वो एच स्मार्ट है। सो वही सेम प्राइसिंग स्पेशल एडिशन एच स्मार्ट की भी अपनी रहेगी 99,000 ऑन रोड जयपुर एच स्मार्ट। की वाला जो वेरिएंट है वो ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करेगा 97,000। इस टाइप से ये हो जाता है 2,000 रुपये का, दोनों ही वेरिएंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप से दो रिमोट देखने को मिलेगा फिजिकल की, यहाँ पे नहीं। अब देख लेते हैं क्या कुछ 99,000 पे आप लोगों को स्कूटी में मिल जाता है। रियर व्यू मिरर स्कूटी में इंस्टॉल नहीं है, ये स्कूटी अभी ना एक जस्ट यार्ड से आई है और यही वीडियो में शूट कर रहा हूँ, इसमें रियर व्यू मिरर एडजस्टेड नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ आगे चल के मैं कि किस टाइप से प्रॉपर शेप रहेगा। फ्रंट हेड और फ्रंट नोज सिर्फ ये दो पार्ट ही आपको मिलेंगे फाइबर में, उसके अलावा ओवरऑल बॉडी आपको मिलेगी मेटल में ही। फ्रंट मडगार्ड भी, फेंडर भी और रियर बॉडी भी कंप्लीट आपका मेटल में ही हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे से सेटअप बन जाता है। हेडलैम्प आपको मिलेगा एलईडी में, इंडिकेटर हेलोजन में हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। और रियर लाइटिंग सेटअप भी कंप्लीट आपको हेलोजन में ही रहने वाला है। फ्रंट नोज पे इस टाइप से होंडा की ब्रांडिंग आ जाती है। नंबर प्लेट होल्डर क्रोम का यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत डार्क क्रोम वाला शेड यहाँ पे आप लोगों को आने वाला है। ग्राफिक्स ये आप लोग देख ही चुके हो, यहाँ पे आप लोग इसको रिमूव भी कर सकते हो। स्पेशल एडिशन की मार्किंग अपोजिट साइड ही सिर्फ एक ही साइड देखने को मिल जाने वाली है। बाकी कुछ इस टाइप से ये सिल्वर हाईलाइट आ जाती है, जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना देती है। फ्रंट मडगार्ड यहाँ पे गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप पे सब कुछ ऑल, एक ब्लैकआउट वाला सेटअप यहाँ पे आप लोगों को मोर मिल जाएगा। MRF का टायर है ट्यूबलेस, 90-90-12 12 इंच का फ्रंट है, 10 इंच का अपना रियर टायर रहेगा। लो इसका शेप कुछ आपको इस टाइप से जैसा कि एच स्मार्ट वेरिएंट में सभी में आप लोगों को मिलता ही है। MRF का टायर है, MRF टायर का पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से है। इसके अलावा C8 का भी आप लोगों को यहाँ पे सेटअप मिल सकता है। 130mm ड्रम फ्रंट भी और 130mm ड्रम रियर में भी रहेगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से भी। ये पूरा मैकेनिज्म अपना कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप का ही है। ये अपना हुआ फ्रंट लुक कंप्लीट, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो। स्पेशल एडिशन की प्रॉपर मार्किंग भी देखने को मिलेगी। इस टाइप से ब्रेक लीवर है हैंड ब्रेक के साथ और अपोजिट साइड थ्रॉटल ग्रिप फाइबर में ही अपना बार एंड भी आ जाता है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सीट हाइट का कोई भी कहीं भी इशू नहीं आने वाला, 770mm के अराउंड ही, 765-770mm के अराउंड ही आपका सीट हाइट रहेगा। सीट में एक साइज़ की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से अपना साइज़ ये प्रॉपर बन जाता है, यहाँ से आप लोगों को ये आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। और रियर में होंडा की प्रॉपर इस टाइप से मार्किंग भी आ जाने वाली है। ग्रे ब्रेल सिंगल पीस में बॉडी कलर में ही ये वाला सेटअप भी आपका स्पेशल एडिशन में आ जाता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, E20 का स्टिकर ये रहा, 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। रियर लाइटिंग कुछ इस टाइप से है। इस स्कूटी में कोई भी एसेसरीज़ का पार्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, बट वहाँ अपने पास एक स्कूटी है ब्लैक वाला जिसमें कि एसेसरीज़ है। सो लुक अभी आप लोगों को दिखा देते हैं रियर बॉडी पे। ग्राफिक्स यहाँ पे जैसा कि स्पेशल एडिशन के अकॉर्डिंग मिल ही जाते हैं। एच स्मार्ट का प्रॉपर जेल वाला लोगो है, एक्टिवा का 3D प्रॉपर एम्बलम यहाँ पे आ जाने वाला है और प्रॉपर मेटल में ही है। हालांकि ये वाला पार्ट अपना फाइबर में है बट इसका इतना यूज़ नहीं है, जो मेजर चीज़ है वो आप लोगों को मेटल में मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। रियर जो अलॉय का शेप है ये अपना कुछ टाइप से है, वही सेम MRF ट्यूबलेस 90 सेक्शन फ्रंट है और 90 सेक्शन ही अपना रियर है। एग्जॉस्ट सेटअप, हीट शील्ड भी मेटल में मिल जाती है। फैन फूलिंग सिस्टम के साथ स्कूटी आता है तो फैन की प्लेसिंग अपनी
यहाँ आ जाती है। ये रहा अपना टेल टाइड, इस कलर का नाम है पर्ल साइरन ब्लू ए। सो ये अपना प्रॉपर कलर का नाम है, टेल टाइडी रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट होल्डर। ये कुछ हो जाता है अपना साइड प्रोफाइल, फुटबोर्ड इस टाइप से कुछ काफ़ी अच्छे साइज़ का फुटबोर्ड मिल जाता है। बैटरी की प्लेसिंग भी अपना यहाँ भी रहने वाली है। बाकी डैश का लेआउट कुछ इस टाइप से है, एक जे माउंट आपका लगेज हुक यहाँ आ जाता है और एक जे माउंट अपना जो रेगुलर जगह पे भी आ जाने वाला है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी का कोई इशू है ही नहीं होंडा के साथ। पेंट फिनिश क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी टॉप नोच आपको मिल जाती है। यहाँ नॉब आ जाता है जो कि एच स्मार्ट वेरियंट में अपना रहेगा। बाकी स्टिकर्स आ जाते हैं कुछ वार्निंग वाले। स्विची सेटअप देखते हैं फिर अपन कवर करते हैं अपोजिट साइड। सो ब्रेक लीवर आप लोग देख ही चुके हो, बार एंड फाइबर में ही है, साइड से फॉब आ जाता है। ग्रिप कवर वगैरह कुछ अपना इस टाइप से काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉफ्ट ये भी सेटअप होने वाला है। हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच, इंडिकेटर सिंगल बजर में काफ़ी लाउड अपना हॉर्न हो जाता है। सेंटर में आ जाती है होंडा की प्रॉपर ब्रांडिंग। ये कुछ अपना शेप कट सेटअप बनता है। राइट साइड पे किल स्विच है और स्टार्टर, ये 3-in-1 है, मतलब कि स्टार्टर भी आपका इसी से स्कूटी स्टार्ट भी होगा। MID में बात करते हैं तो कंप्लीट सारा सेटअप आपको एनालॉग में ही मिलेगा। डिजिटल विंडो यहाँ पे एक्टिवा 110 के किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। 110 110 तक मार्किंग रहने वाली है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो लगभग 85-90 के अराउंड एक्टिवा 110 आपका जा सकता है। फ्यूल गेज आ जाता है, इंजन चेक लाइट है, बैटरी वोल्टेज प्लस एक जो ये की वाला आइकॉन है ये आप लोगों को ऐड हो जाता है एच स्मार्ट वेरिएंट के साथ। अदर वेरिएंट में ये वाला आइकॉन आपका नहीं रहेगा। हाई बीम लो बीम का एक ये प्रॉपर मार्किंग आ जाती है। इस टाइप से कुछ अपना राइडर POV बनता है। एक बार हैंडल बार अपन सीधा कर देते हैं। सो ये कुछ आपका राइडर POV बनने वाला है। अपोजिट साइड देखते हैं, सो साइड स्टैंड पार्ट ऑफ एसेसरीज है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। सेंटर स्टैंड ही आपको स्कूटी के साथ मिलेगा। एच स्मार्ट का सबसे बड़ा नेगेटिव जो कि किक नहीं है यहाँ पर ना, किक एच स्मार्ट के किसी भी वेरिएंट में DO 110, Activa 110 या फिर Activa 125 और DO 125 किसी में भी किक अवेलेबल नहीं रहता। सो ये एक चेंज हो जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है टोटल 109 cc का एयर कूल्ड या फिर फैन कूल्ड इंजन CVT गेयरबॉक्स के साथ। पावर है 7.8 HP का और 9.30 Nm का टोटल अपना टॉर्क है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 109 cc फैन कूल्ड इंजन CVT गेयरबॉक्स के साथ, 7.8 HP और 9.30 Nm। रियर टायर की ग्रेडिंग अपनी हो चुकी थी। रियर ब्रेकिंग आपको 130 mm ड्रम का ही सेटअप देखने को मिलेगा। और रियर सस्पेंशन की बात करते हैं सो ये आप लोगों को विजिबल रहेगा गैब्रियल का 3-step एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप सिंगल स्प्रिंग मिल जाने वाला है। ये अपना प्रॉपर मैकेनिज्म हो जाता है। डार्क या फिर स्पेशल एडिशन के साथ यहाँ पर आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक में ही इंजन का लेआउट भी देखने को मिलने वाला है। रियर टायर का पैटर्न भी अपना हो ही चुका है। सो ये तो हो जाता है अपना एच स्मार्ट। अब क्विकली अपन लोग कवर कर लेते हैं एक्टिवा 110 के अदर वेरियंट्स जो कि अभी तीनों ही अपने पास अवेलेबल हैं। वाइट वाला है आपका बेस वेरिएंट, वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है सभी वेरिएंट्स के, मेरे पास ऑलरेडी शूट है। यहाँ पे हेलोजन लाइट आ जाती है और ये है आपका बेस वेरिएंट। 92,000 बेस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइसिंग रहेगा। ये है अपना मिड वेरिएंट, यहाँ पे एसेसरीज इंस्टॉल्ड है और ये भी मिड वेरिएंट है, ये विदाउट एसेसरीज है। तो ये आप लोग कॉम्बिनेशन अपना देख सकते हो। और ये अपना एक्टिवा 110 का रेगुलर वाला, 110 का एच स्मार्ट है। रियर बॉडी भी देख लेते हैं, वही अगेन दो केक, बट यहाँ पे इंजन देख सकते हो आप सिल्वर में आ जाता है। ग्रे ब्रेल भी आपका सिल्वर में ही आ जाता है, अलॉयज वगैरह सेम ही रहेगा। सो ये एक अपना सारे हो जाते हैं वेरिएंट्स। कलर ऑप्शन जो अपने रेगुलर वेरिएंट्स में रहते हैं अभी फिलहाल के लिए जो अवेलेबल है, मरून है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है और एक मैट ब्लैक भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो लगभग 5-6 कलर ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। इस टाइप से कुछ MID का लेआउट रहेगा अपना रेगुलर वेरिएंट्स का। सो ये हो जाता है जी अपना वीडियो कंप्लीट। जल्दी जल्दी अभी यहीं पे बैठ के मैच अपना ऑन है, वहाँ पर ही बैठ के प्रॉपर वीडियो एडिट होगा और यहीं से ही वीडियो अपलोड भी होने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगे, इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए एक मेहनत चल रही है ना भैया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना और शेयर भी आप लोग ये अपना वीडियो कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।